गाइज हेलो गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल दिस इज सूरज गुड़गांव ड्रीम ब्लॉग्स। जो मैं आपको आज इन्वेंट्री दिखाऊंगा फ्रेंड्स, ये 664 यार्ड का प्लॉट साइज़ है और ये इसका फ्रंट एलिवेशन हो गया फ्रेंड्स, जो कि आप ये देख पा रहे होंगे। और ये इसका फ्रंट एलिवेशन हो गया। इसमें अभी बस थर्ड फ्लोर ही अवेलेबल है और प्राइस एंड ऑल सारा कुछ मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन, वहाँ से चेकआउट कर लेना। और यह ब्लॉक पालम विहार है, सामने में आपको 12 मीटर की रोड जा रही है जो कि आप देख पा रहे होंगे। ये और लोकेशन भी देखने में काफ़ी अच्छा है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स ये जो फेसिंग है ये आपको साउथ फेसिंग प्रॉपर्टी है। ये इन्वेंट्री जो है साउथ फेसिंग प्रॉपर्टी है फ्रेंड्स। इसका ये इसका फ्रंट एलिवेशन हो गया, डिज़ाइन देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है ये। और इसका कुछ लोकेशन हो गया। और सामने में सारी ग्रीनरी इतनी भरी पड़ी है, पेड़ लगी हुई है जो कि आप देख पा रहे होंगे ये। और अच्छे लोकेशन के साथ है फ्रेंड्स। मूविंग ऑन टू दी स्टिल पार्किंग। और ये इसका टेरेस है जो कि आप देख पा रहे होंगे। ये ज़्यादा ऊपर लूँगा तो थोड़ा अंधेरा आ जाएगा, इसलिए मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपको यहीं से दिखाऊँ। मूविंग ऑन टू दी फ्लैट। और फ्रेंड्स मूविंग ऑन टू दी स्टिल पार्किंग, ये इसका स्टिल पार्किंग हो गया। और ये साउथ फेसिंग प्रॉपर्टी है फ्रेंड्स, 685 यार्ड्स प्लॉट साइज़। फिर आप देख सकते हो इसमें कि जो प्लॉट का साइज़ है काफ़ी बड़े साइज़ का प्लॉट है ये, जो कि मैं आपको जस्ट एक आइडिया दे रहा हूँ। और ये इसका मेन गेट हो गया, ये जिस अभी कवर है कि यहाँ पे गेट आएगी प्रॉपर, यहाँ स्पेस छोड़ा गया प्रॉपर। और आप देख सकते हो ये इसका स्टिल पार्किंग है, प्रॉपर कवर है, इसमें काम चल रहा है इसमें भी। और काफ़ी ह्यूज साइज़ का है, प्रॉपर इसमें काम किया गया है। आपको सर्वेंट रूम मिलेगा फ्लोर वाइज, जो कि देख सकते हो आप, 1, 2 और 3, 4 मतलब हर एक फ्लोर वाइज आपको एक एक सर्वेंट रूम मिलेगा। वाटर टैंक कैपेसिटी की बात करूँ मैं, 5000 लीटर का पर टैंक पर यूनिट मिलेगा वाटर टैंक कैपेसिटी। टेरेस पे 1000 लीटर का वाटर टैंक कैपेसिटी मिलेगा आपको पर यूनिट, जो कि आप देख पा रहे हो। ये इसका टेरेस एरिया हो गया, यहाँ पे लिफ्ट एरिया ही टेरेस एरिया है प्रॉपर। इसमें जो है माल का काम किया गया है, लिफ्ट भी है इसमें, आपको जॉनसन की लिफ्ट लगेगी प्रॉपर। और काफ़ी ह्यूज साइज़ का ये दिया गया है इसमें टेरेस, जो कि आप देख पा रहे होंगे। इसमें वाल में भी टाइल्स का काम हुआ पड़ा है। और देख, अब चूँकि ज़्यादा अंधेरा उधर मैं शूट करूँगा तो आपको दिखेगा नहीं, इसीलिए मैं जितना हो सकता है मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। स्टेयर्स में प्रॉपर ग्रेनाइट का काम हुआ हुआ है, इसमें पॉलीथीन लगी हुई है कि स्क्रैच न लगे, जो कि आप देख पा रहे होंगे। काफ़ी अच्छी क्वालिटी की इन्होंने काम कराया है इसमें। अगर मैं बात करूँ लिफ्ट की तो यहाँ पर लिफ्ट आ जाएगी, यहाँ पर शाफ्ट का काम हुआ हुआ जो कि मैंने दिखाया था रूम से भी और टेरेस से भी, वही शाफ्ट है, दो शाफ्ट है फ्रेंड्स, एक इधर शाफ्ट है और एक इधर शाफ्ट है प्रॉपर। और मूविंग ऑन टू द टेरेस एरिया, जो कि मैं आपको जितना हो सकता है मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। और ये इसका हो गया टेरेस एरिया, इवन आप देख सकते हो इसमें भी प्रॉपर आपको टाइल्स का काम हुआ पड़ा है, जो कि इसके लुक्स को काफ़ी इन्हांस कर रहा है ये। और ये इसका स्टेयर्स हो गया फ्रेंड्स, जो कि टेरेस के लिए है। अगर बात करूँ इसके स्टेयर्स की, आप देख सकते हो प्रॉपर इसमें सारे में पॉलीथीन का यूज़ किया गया है कि इसमें स्क्रैचेस ना लगे। ब्लैक कलर की प्रॉपर इसमें काम हुआ पड़ा है मार्बल का। और ये इसका जो है टेरेस हो गया, 685 यार्ड्स का प्लॉट साइज़ है ये, जो कि देखने में काफ़ी बड़े साइज़ का है ये। जस्ट मैं आपको एक रफ अराउंड आइडिया दे रहा हूँ। और ये इसका हो गया साफ्ट एरिया, प्रॉपर इसमें कवर आके साइड से प्रॉपर इसमें ये इंटैक्ट हो जाएगा, ऊपर सेट भी आ जाएगी। मूविंग ऑन टू दी लिफ्ट एरिया, ये इसका लिफ्ट एरिया हो गया, इसमें भी प्रॉपर जो एलिवेटर है ये टॉप तक आ रही है, जो कि काफ़ी कन्वीनियंट हो जाएगा आपको टेरेस पे आने के लिए, क्योंकि आपको मैं जस्ट एक आइडिया दे रहा हूँ अभी। इधर आप देख सकते हो जितने भी यहाँ पे साफ बनी हुई हैं सारे ये कवर हो जाएंगी। और साइज़ जस्ट मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ कि कितने बड़े साइज़ की ये प्लॉट साइज़ है। और ये भी इसका साफ्ट एरिया हो गया, जो कि मैंने दिखाया था नीचे से आपको, जो कि आप देख पा रहे होंगे। और ये भी जो है प्रॉपर कवर हो जाएगी।
गाइस हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज सूरज गुड़गांव ड्रीम व्लॉग्स। मैं खड़ा हूँ आज गुड़गांव में और जो मैं आपको आज इन्वेंट्री दिखाने वाला हूँ फ्रेंड्स, ये काफ़ी बड़े प्लॉट साइज में है, जो कि है ये 685 स्क्वायर यार्ड और ये बेसिकली 5 BHK है फ्रेंड्स ये रूम, और इसमें 5 BHK है और ये काफ़ी बड़ा सा प्लॉट साइज है, तो इसका फ्लोर भी काफ़ी बड़ा ही होगा बाई डिफ़ॉल्ट। तो लेट स्टार्ट द वीडियो। बताना चाहूँगा मैं आपको कि ये इसका फर्स्ट बेडरूम हो गया, जो कि इसमें अभी 2 फ्लोर अवेलेबल है। बता दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में क्या है, कौन से फ्लोर अवेलेबल है, प्राइस क्या है, लोकेशन क्या है, सब बता दूंगा मैं। ये इसका फर्स्ट बेडरूम हो गया। ये बड़ी सी काफ़ी ह्यूज साइज़ की ये लॉबी है, जो कि आप देख पा रहे हो गए ये। और ये इसका सेकेंड बेडरूम हो गया और ये वाला हो गया थर्ड बेडरूम, ये हो गया फोर्थ, इस साइड राइट में है फिफ्थ बेडरूम, और इधर ये वाला हो गया किचन एरिया। लेट स्टार्ट द वीडियो फ्रॉम द फर्स्ट बेडरूम, जो कि इसमें आप देख सकते हो इसमें भी फ्लोरिंग नहीं हुआ है। फ्लोरिंग इसमें पूरे में टाइल्स का काम होगा, इसमें UPVC की प्रॉपर, इसमें आपको स्लाइडर डोर्स मिलेगी, 2 ग्लास डोर, 1 नेट डोर रहेगा, इसमें AC के प्रोविज़न मिल रहे हैं प्रॉपर आपको। इसमें फॉल्स सीलिंग का काम किया गया है प्रॉपर, जो कि देखने में इसके लुक्स को काफ़ी इन्हांस कर रहा है। अगर हम बात करूँ इसकी फ्लोर की, तो इसमें टाइल्स लगेगा प्रॉपर, सारे बैटरी फाइव टाइल्स रहेगी। अगर मैं कलर्स की बात करूँ इसमें टाइल्स की, तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा इस कलर की इसमें टाइल्स का काम होगा, जो कि यहाँ रखा हुआ है। और काफ़ी बड़े साइज़ की टाइल्स, एक टाइल्स का साइज़ है काफ़ी बड़े साइज़ का ये, जो कि आप देख पा रहे हो गए। मूविंग ऑन टू दी अटैच बैल्कनी, फ्रंट बैल्कनी, जो कि इस फर्स्ट बेडरूम से अटैच्ड है, आपको मैं दिखाना चाहूँगा। ये इसका बैल्कनी हो गया प्रॉपर, इसमें भी आपको टाइल्स का काम हुआ है, इसमें भी फॉल सीलिंग का काम होगा प्रॉपर। और फ्रेंड्स ये जो फेसिंग है, ये साउथ फेसिंग प्रॉपर्टी है, जो कि मैं आपको बताना चाहूँगा। इसमें भी आउटडोर यूनिट के लिए प्रोविज़न छोड़ा गया है। अभी मैं आपको दिखाऊँगा फ्रंट व्यू आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको 12 मीटर की रोड जा रही है। और ये इसका लोकेशन हो गया, लोकेशन भी काफ़ी अच्छा है, ग्रीनरी एकदम भरा पड़ा है, जो कि आप देख पा रहे हो गए। ये लोकेशन काफ़ी बेहतरीन लोकेशन है, ये सामने में ये 685 यार्ड्स का प्लॉट साइज़ है। तो ये इसका गेट हो गया प्रॉपर, यहाँ पे इतनी स्पेस छोटी होगी। ये इसका रैंप एरिया हो गया सामने में, और ये इसका काफ़ी बड़े साइज़ का बालकनी है, जो कि आप देख पा रहे हो। ये मूविंग ऑन टू दी अटैच वाशरूम, जो कि इस फर्स्ट बेडरूम से अटैच है ये, जो कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जस्ट मैं आइडिया दे रहा हूँ। इसमें भी प्रॉपर आपको टाइल्स लगेगी, सारे बैटरी फाइव टाइल्स। इस वॉशरूम का साइज़ आप देख लो, कितनी बड़ी साइज़ की ये वॉशरूम है, सारे में फॉल सीलिंग का काम होगा प्रॉपर। अभी इसमें टाइल्स नहीं लगी हुई है, सारे फिटिंग्स इसमें आपको जैगवार के मिलेंगे। यहाँ पर प्रॉपर इन्होंने दिया हुआ है ये डिज़ाइन, यहाँ पर लाइट की प्रोविज़न आ जाएगी, यहाँ पर कमोट आ जाएगा प्रॉपर, यहाँ पर शावर एरिया है, जो कि पॉइंट यहाँ छोड़ा हुआ है, आप देख पा रहे होगे शावर एरिया है। और ये वाला इसका जो है यहाँ पे वॉश बेसिन एरिया है, यहाँ पे आ जाएगी कवर्ड, यहाँ इस साइड में कवर्ड आएगी प्रॉपर ऊपर तक। और साइज़ आप देख पा रहे हो, साइज़ काफ़ी, इसमें भी आपको विंडो का प्रोविज़न दिया गया है प्रॉपर लाइट एयर वेंटिलेशन के लिए। मूविंग ऑन टू दी सेकेंड बेडरूम, जो कि ये इसका सेकेंड बेडरूम हो गया फ्रेंड, जो कि आप देख पा रहे हो, ये काफ़ी बड़े साइज़ की ये रूम है। और इसमें भी आपको फॉल सीलिंग का काम हुआ पड़ा है, इसमें AC के लिए प्रोविज़न दिया गया है। और अगर मैं बात करूँ इसकी फ्लोर की, तो इसमें प्रॉपर आपको टाइल्स का काम होगा, अभी टाइल्स का काम नहीं हुआ है। इसमें सारे बैटरी फाइव टाइल्स लगेगी प्रॉपर, जो मैंने दिखाया था अभी आपको उसी साइज़ की टाइल्स लगेगी इसमें। और देख सकते हो इसमें भी आपको प्रॉपर बड़ी सी यहाँ पे दिया गया है UPVC की वाइट कलर की डोर आएगी, इसमें स्लाइडर डोर्स रहेगी, 2 ग्लास डोर, 1 नेट डोर रहेगा, AC के लिए प्रोविज़न छोड़ा गया है इसमें। मूविंग ऑन टू दी अटैच वाशरूम, ये भी इसका काफ़ी बड़े साइज़ का वाशरूम है, जो कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा। इसमें भी आपको फॉल सीलिंग का काम हो रहा है प्रॉपर, आप देख पा रहे होगे। इसमें भी आपको प्रॉपर मार्बल का इसमें चौखट दिया गया है, इसमें भी आपको UPVC की प्रॉपर ग्लास डोर लगेगी। अगर मैं बात करूं, तो ये इसका हो गया शावर एरिया, यहाँ पॉइंट दिया गया है, यहाँ पे ये वाला कमोट एरिया आ गया, और यहाँ पे वार्डरोब आ जाएगा प्रॉपर। और ये इसका स्पेस हो गया फ्रेंड्स, जो कि आप देख पा रहे हो। ये मूविंग ऑन टू दी फ्रंट बालकनी, ये इसका फ्रंट बालकनी हो गया, जो कि आप देख पा रहे होंगे। ये भी इसमें देख सकते हैं आप, इसमें प्रॉपर टाइल्स का काम हुआ पड़ा है, और डिज़ाइन वाइज देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी एलिगेंट लग रहा है। इसमें भी आपको फॉल सीलिंग का काम हो रहा है, जो कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा।
और इसके लुक्स को काफ़ी इन्हांस कर रहा है ये। अगर मैं बात करूँ इसकी बालकनी में, इसमें फ्लोरिंग में मार्बल का काम होगा जो कि अभी नहीं हुआ हुआ है। जस्ट मैं एक आपको आइडिया दे रहा हूँ फ्रेंड्स, और ये इसकी फ्रंट बालकनी का फ्रंट व्यू हो गया जो कि आप देख पा रहे होंगे। काफ़ी अच्छे लोकेशन है फ्रेंड्स ये पालम विहार का, और 685 यार्ड्स प्लॉट साइज़ है। यहाँ पे सामने स्पेस छोड़ा गया है, यहाँ पे ये आपका रैंप एरिया हो गया प्रॉपर। यहाँ पे 12 मीटर की रोड जा रही है, मेन रोड काफ़ी चौड़ी रोड है ये, और लोकेशन भी आप देख सकते हैं, लोकेशन भी काफ़ी अच्छा है ये। मूविंग ऑन टू दी लॉबी, जस्ट मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ, ये इसका ड्राइंग रूम हो गया, जस्ट आपको आइडिया देना चाहूँगा मैं। इसमें भी आपको फॉल सीलिंग का काम हुआ पड़ा है, एसी के लिए प्रोविज़न दिया गया है इसमें। इसमें भी प्रॉपर आपको फ्लोर में टाइल्स का काम हुआ हुआ है जो मैं आपको दिखाया था, सेम कलर की टाइल्स लगी हुई है इसमें जो कि इसके डिज़ाइन को काफ़ी इन्हांस कर रही है। यहाँ पे प्रॉपर आपको UPVC की स्लाइडर डोर्स लग जाएगी, 3 डोर आएगा इसमें, ग्लास डोर, नीचे पूरा चैनल आ जाएगा, और इसमें एक रहेगा नेट डोर फ्रेंड्स। और इसका ये बालकनी हो गया जो कि आप देख पा रहे हो गए, और ये जस्ट डिज़ाइन के लिए दिया गया, यहाँ पे प्रॉपर ग्लास लगेगी। अब लोकेशन मैंने दिखाई था आपको, सामने 12 मीटर की रोड जा रही है, ये इसका फ्रंट व्यू हो गया। फ्रंट व्यू भी देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी एलिगेंट लग रहा है फ्रेंड्स। और ये इसका काफ़ी ह्यूज साइज़ का लॉबी हो गया जो कि आप देख पा रहे हो कि इस प्रॉपर इसमें फॉल सीलिंग का काम हुआ हुआ है। अगर बात करूँ इसकी फ्लोर की मैं, तो सेम जो मैंने दिखाया था आपको टाइल्स की, फ्लोर में टाइल्स का काम हुआ हुआ है, सारे वेट्रीफाइड टाइल्स लगी हुई है इसमें। अगर मैं बात करूँ इसकी, तो ये वाला इसका सॉफ्ट एरिया हो गया प्रॉपर लाइट एयर वेंटिलेशन के लिए। यहाँ पर भी आपको UPVC की प्रॉपर आपको साइडर विंडो मिल जाएगी, जिससे एयर वेंटिलेशन का और लाइट का प्रॉपर यहाँ पे फ्लो होता रहेगा। और इसका सॉफ्ट एरिया है फ्रेंड्स, काफ़ी बड़े साइज़ का सॉफ्ट है जो कि आप देख पा रहे होंगे ये। और इससे अटैच्ड ये किचन है, किचन का साइज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये काफ़ी बड़े साइज़ की किचन है। इसमें भी आपको प्रॉपर विंडो का प्रोविज़न दिया गया है, फॉल सीलिंग का काम हुआ हुआ है, इसमें भी टाइल्स की काम लगेगी। प्रॉपर मॉडल किचन रहेगा, ऊपर में सारे बॉक्सेस, नीचे सारे बॉक्सेस, प्लेटफॉर्म पर मार्बल लग जाएगी। यहाँ पर छोटी सी दी हुई है, ये पेंट्री हो गया इसका जो कि देख, इसमें भी आपको विंडो का प्रोविज़न दिया गया, ये सॉफ्ट एरिया हो गया प्रॉपर लाइट एयर वेंटिलेशन के लिए। और ये इसका हो गया दूसरा सॉफ्ट, इस साइड है राइट साइड में, या ये भी सॉफ्ट है इसका, ये भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये भी आप देख सकते हो प्रॉपर, आप देख पा रहे होंगे ये प्रॉपर आपको, ये भी सॉफ्ट है इसका, काफ़ी बड़े साइज़ की सॉफ्ट बनी हुई है इसमें। अगर मैं दिखाना चाहूँगा आपको कि जितने भी इसमें विंडो का काम किया गया है प्रॉपर, सब में ग्रेनाइट लगी हुई है, फ्रेमिंग किया गया सब में UPVC का काम होगा इसमें। और ये भी अच्छा है, यहाँ पे भी आपको UPVC की प्रॉपर ग्लास लग जाएगी प्रॉपर एयर लाइट वेंटिलेशन के लिए। और ये इसका हो गया पाउडर रूम जो कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये पाउडर रूम है इसका, इसमें भी आपको विंडो लगी हुई है प्रॉपर एयर लाइट वेंटिलेशन के लिए, और साइज़ आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा साइज़ है इस वॉशरूम का। मूविंग ऑन टू दी थर्ड बेडरूम जो कि हॉल से कनेक्ट हो रहा है, ये इवन आप देख सकते हो इसमें भी प्रॉपर टाइल्स का काम हुआ पड़ा है, प्रॉपर टाइल्स लगी हुई है। इसमें भी आपको AC के लिए प्रोविज़न, फॉल सीलिंग का काम हुआ हुआ है इसमें, प्रोविज़न दिया गया है। इसमें भी आपको प्रॉपर UPVC की साइड डोर्स मिल जाएगी, एक नेट डोर रहेगा, दो ग्लास डोर रहेगा इसमें। मूविंग ऑन टू दी फ्रंट बैक साइड बालकनी, इसमें भी आप देख सकते हो प्रॉपर एयर लाइट वेंटिलेशन के लिए बनी प्रॉपर यहाँ बालकनी दी हुई है, और यहाँ पर भी आपको टाइल्स लगी हुई है प्रॉपर बालकनी में। आउटडोर यूनिट के लिए प्रोविज़न छोड़ा गया है इसमें, यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी ह्यूज साइज़ का ये बालकनी है, प्रॉपर काम इसमें हुआ पड़ा है टाइल्स का। और यहाँ पे भी प्रॉपर आपको ये इसकी बालकनी हो गई, बैक साइड बालकनी, यहाँ पे कुछ रेलिंग का काम हो जाएगा डिज़ाइन। अगर मैं बात करूँ इसकी, तो ये इसका बैक साइड है, यहाँ पर स्पेस छोड़ा गया है जो कि आप देख पा रहे होंगे ये। मूविंग ऑन टू दी अटैच्ड वॉशरूम जो कि इस बालकनी से, इस थर्ड बेडरूम से अटैच्ड है, और ये इसका थर्ड वॉशरूम हो गया जो कि आपको मैं जस्ट आइडिया दे रहा हूँ। एक काफ़ी बड़े साइज़ का वॉशरूम है ये जो कि मैं आप देख पा रहे हो, यहाँ पे भी प्रॉपर लाइट के लिए कुछ डिज़ाइन के लिए छोड़ा गया प्रोविज़न, विंडो का प्रोविज़न मिल रहा है, प्रॉपर फिटिंग सारे इसमें आपको जैगुआर के मिलेंगे प्रॉपर।
और ये इसका काफ़ी बड़े साइज़ का ह्यूज साइज़ का ये वाशरूम है। फोर की अगर मैं बात करूँ इसमें तो प्रॉपर आपको सारे वेट्रीफाइड टाइल्स लगेगी, फिटिंग सारे जगवार के रहेंगे इसमें आपको। मूविंग ऑन टू दी फोर्थ बेडरूम जो कि हॉल से कनेक्ट हो रहा है फ्रेंड्स, ये इवन आप देख पा रहे होंगे कि इसका भी साइज़ काफ़ी बड़े साइज़ का है ये। इसमें भी आपको UPVC की साइड डोर्स लग जाएगी प्रॉपर, फॉल्सरिंग का काम हुआ पड़ा है, AC के लिए प्रोविज़न दिया गया है। इससे अटैच इसमें भी वाशरूम है, यहाँ पे जो ये कवर्ड एरिया हो गया यहाँ पे कवर्ड बन जाएगी, टाइल्स लग जाएगी प्रॉपर इसमें। इसमें भी आपको फॉल्सरिंग का काम हुआ पड़ा है, आप देख पा रहे हो ये। और ये इसका वाशरूम हो गया, वाशरूम भी आपको मैं दिखाना चाहूँगा, इसमें काफ़ी बड़े साइज़ की वाशरूम है ये भी। इसमें भी आपको विंडो का प्रोविज़न मिल रहा है प्रॉपर एयर लाइट वेंटिलेशन के लिए। इसमें भी आपको फॉल्सरिंग का काम हुआ पड़ा है, फिटिंग सारे जैगवार के रहेंगे। और जो इसमें सारे ये इसका हो गया शावर एरिया, ये वाला हो गया इसका कमोट एरिया, और ये वाला हो गया वॉश बेसिन एरिया, प्रॉपर वहाँ पे प्रोविज़न छोड़ा गया है जो कि आप देख पा रहे हो। ये काफ़ी ह्यूज साइज़ का ये वाशरूम फ्रेंड्स, एयर लाइट वेंटिलेशन के लिए यहाँ विंडो का प्रोविज़न दिया गया है। और इससे अटैच ये बालकनी है, बैक साइड बालकनी जो कि आप देख पा रहे हो ये भी। और इसमें भी आपको टाइल सारे वेट्रीफाइड टाइल्स का काम हुआ पड़ा है। अगर मैं लोकेशन की बात करूँ तो लोकेशन भी ठीक ठाक है इसका, ये बैक साइड व्यू हो गया इसका, यहाँ पे स्पेस छोड़ा गया है प्रॉपर। मूविंग ऑन टू दी फिफ्थ बेडरूम जो कि इस हॉल से कनेक्ट हो रहा है, जो कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा। इस अगर बात करो इसकी फ्लोर की तो इसमें भी टाइल्स का काम हुआ पड़ा है जो कि आप देख पा रहे हो ये। और ये इसका फॉल सीलिंग का काम हुआ हुआ है, इसमें AC के लिए प्रोविज़न दिया गया है इसमें जो कि आप देख पा रहे हो। इसमें भी प्रॉपर आपको जो इसमें चौखट है इस डोर की, इसमें भी ग्रेनाइट का काम हुआ हुआ है प्रॉपर, UPVC की प्रॉपर आप इसमें आपको साइड डोर लग जाएगी प्रॉपर, दो ग्लास डोर एक नेट डोर रहेगा। इससे अटैच यहाँ पे दिया हुआ कवर्ड के लिए स्पेस छोड़ा गया है, यहाँ पे कवर्ड एरिया है प्रॉपर आपका जो कि आप देख पा रहे होंगे, ये काफ़ी ह्यूज साइज़ का है ये। और इससे अटैच ये वाशरूम है फ्रेंड्स जो कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये वाशरूम है आप देख सकते हो। इसमें भी आपको प्रॉपर एयर लाइट वेंटिलेशन के लिए विंडो का प्रोविज़न दिया गया है। अगर इसकी मैं बात करूँ इसमें भी आपको चारों साइड मार्बल का काम हुआ पड़ा है, UPVC की प्रॉपर विंडो लग जाएगी वाइट कलर की। अगर मैं बात करूँ इसकी फ्लोर की तो इसमें प्रॉपर आपको जो है टाइल्स लगेगी, सारी वेट्रीफाइड टाइल्स लगेगी, फिटिंग सारे इसमें आपको जैगवार का काम होगा फ्रेंड्स जो कि आप देख पा रहे होंगे। ये वाला शावर एरिया हो गया, ये कमोट एरिया है, और ये इसका वॉश बेसिन एरिया हो गया, काफ़ी बड़े साइज़ का ये वाशरूम है फ्रेंड्स जो कि आप देख पा रहे होंगे ये। मूविंग ऑन टू दी बैक साइड बालकनी जो कि इस फिफ्थ बेडरूम से अटैच हो रहा है, ये इसका बैक साइड बालकनी हो गया, इसमें भी प्रॉपर टाइल्स का काम हुआ पड़ा है जो कि आप देख पा रहे हो ये। अगर मैं बात करूँ इसकी फ्लोर की तो फ्लोर में सारे में वेट्रीफाइड टाइल्स का काम हुआ हुआ है प्रॉपर जो कि आप देख पा रहे हो ये भी। अगर बात करूँ इसकी बैक साइड व्यू की तो ये भी काफ़ी अच्छा है देखने में। और यहाँ पे कुछ डिज़ाइन के लिए उन्होंने छोड़ा हुआ है इस बालकनी में, यहाँ पे प्रॉपर ग्लास आ जाएगी जो कि आप देख पा रहे हो ये भी। और इस साइड भी सेम, इधर भी आपको प्रॉपर ग्लास का काम होगा, इन्होंने यहाँ प्रोविज़न छोड़ा हुआ है। मूविंग ऑन टू दी लॉबी एरिया, और ये इसका लॉबी एरिया हो गया, इधर हम देख सकते हो काफ़ी ह्यूज साइज़ का ये लॉबी है फ्रेंड्स। और क्योंकि 685 यार्ड्स काफ़ी बड़ा साइज़ होता है प्लॉट का, और उसमें ये फ्लोर बना हुआ है तो अपने आप में ही काफ़ी बड़ा साइज़ का है ये। प्राइस एंड ऑल मैं सारा कुछ डाल दूँगा आपको डिस्क्रिप्शन, वहाँ से चेकआउट कर लेना। अच्छा लगा वीडियो फ्रेंड्स, चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करो, ऐसा वीडियो मैं लाता रहूँगा आप लोगों के लिए। अच्छा लगा वीडियो लाइक करो, शेयर करो,
सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।